यो व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं शेडर्स के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सारे शेडर्स मैंने लगाए हुए हैं, इसका ना सारा ना रियलिस्टिक फील होता है। सारा कुछ रियलिस्टिक जैसे नहीं होता, वो सारा होता है ऐसे। अब पानी के अंदर सारा कुछ नजर आ रहा है, पहले तो सारा बस ऐसी। अब तो सूरज भी गोल हो गया, पहले तो डब्बा था। तो ये देखें, तो और भी थोड़ी सी चेंजेस मैंने की हैं घर के अंदर, आपको यहाँ के दिखाता हूँ मैं। ये हमारी भैंसें वगैरह ऐसी फिरती रहती हैं। ये हमने जो पिछली वीडियो में बनाया था हमारे डॉगी का घर, ये अभी तक वैसे ही बैठा हुआ है। एंड इसकी वजह से ना घर के अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, क्योंकि बिल्कुल पीछे हमारा सूरज होता है। और हमारा बेड कहाँ गया? हमारा बेड यहाँ पर अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से मैंने उठा के ना उसको फेंक दिया। मैं नहीं सोऊंगा। अबे साले, तभी मेरा माफ करना होगा। मजाक करो, हमारा बेड अभी इधर नीचे है। चला जा नीचे, यहाँ पर नीचे मैंने खोदा और टनन, ये उससे मैंने अपनी शीप्स वगैरह से सारे कारपेट बनाए हैं और ये बेड बनाए हैं तीन। इधर पीछे मैंने बस ये डेकोरेशन के लिए ये रख दिए हैं ऐसे ही बस। तो अभी ऊपर चलते हैं, क्योंकि अभी रात हुई नहीं है और दिन में बंदा सोता नहीं है। लो, रात भी होगी। अच्छा, यहाँ पर ना ये चेस्ट बिल्कुल भर गई थी, तो फिर मैंने इसके नीचे दो होपर्स लगा के नीचे एक और चेस्ट रख दी है। अब ये भर गई है और ये वाले खाली है। इसके अंदर मैं जो भी चीज़ डालूंगा ऑटोमेटिकली नीचे इस चीज़ के साथ आके मिल जाएगा। तो दो दो फर्नेस ताकि थोड़ा काम जल्दी हो जाए, एंड बाकी तो सारा कुछ वैसा ही। अब जल्दी से जा कर नीचे आके सो जाते हैं ना, उसके बाद फिर सुबह उठते हैं। चला जा। तो दरमियान वाले बेड के ऊपर मैं सोता हूँ और अभी हम सो चुके हैं एंड अभी हम उठ भी चुके हैं, फिर अब ऊपर चलते हैं। अच्छा, आज जो हम बनाने वाले हैं, एक तो हम ऑटोमेटिक ना एक फूड फार्म तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑटोमेटिक फूड मेकर कह सकते हैं उसे, वो बनाने वाले हैं। क्योंकि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर अगर मैंने कोई चीज़ पकानी हो तो वो फिर मैं लाता हूँ इसके अंदर, कोल डालता हूँ, फिर वो चीज़ डालता हूँ, फिर वो पकती है, फिर मैं यहाँ से निकालता रहता हूँ खड़ा होके, तो इस तरह मज़ा नहीं आता ना। तो फिर आज मैं ना एक और चीज़ बनाने लगा, उससे हमें ऑटोमेटिक ना खाना मिलता रहेगा। और आज मैंने थोड़ी सी फिशिंग भी की है बैठ के, और ये सारा अपना आर्मर, ये फिशिंग रॉड भी पड़ी हुई है हमारे पास। तो एक तो हम ऊपर छत पे जाने के लिए एक रास्ता बनाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले उसके लिए हमें लैडर्स चाहिए। स्टिक्स एंड प्लैंक्स उठा लेते हैं, लैडर की रेसिपी देखते हैं। इतनी काफ़ी है, सिक्स लेटर्स। तो अभी जो बाकी का बचा हुआ सामान है उसको इधर अंदर रखते हैं, एंड यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता बनाऊंगा मैं। इसको सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। एक्स एक्स से जाके ऊपर मैं तोड़ता हूँ। इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही, उसका भी एक मेरे पास रीज़न है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर पे। जब हम वो वाला काम करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा। तो एक्स अभी पास ही रखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग लगा देते हैं सीढ़ियाँ। चलो अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर अभी वैसे ही खुला एरिया होगा थोड़ा सा, यहाँ पर साइडों पर मैं फेंसिंग वगैरह कर दूंगा, नीचे जाके फेंस बना कर लेके आता हूँ मैं। उसके लिए सबसे पहले हमें स्टिक्स बनानी पड़ेंगी। स्टिक्स बनाओ,
जल्दी से बना लेता हूँ। अच्छा सबसे पहले स्टिक्स बनानी है। चलो इतने स्टिक्स काफ़ी हैं, तो अभी यहाँ पर फैंस लिखते हैं। हाँ तो इसकी जल्दी से फैंस बना लेते हैं जितनी बनती हैं सारी। 27 फेंसेस बन चुकी हैं, तो अभी जाके इसको मैं इधर रखता हूँ। जो भी बच्चा कुछ सामान है इसको भी इधर ही रख देते हैं। जल्दी से ऊपर जाकर फेंसिंग करते हैं। कई बार ना यहाँ ऊपर स्पाइडर भी चढ़ जाती है, फिर मुझे इसको अपनी बो से मारना पड़ता है। यहाँ पर ये मेरे ख्याल मेरे से गलती से लग गया। मेरे पास एक्स है फिर भी मैं हाथों से तोड़ रहा हूँ। यहाँ पर भी एक लगा देते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं इसको लगाना। ये देखो कैसे दरख्त खेल रहे हैं शेडर्स की वजह से। आप सब लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि आपको कैसा लग रहा है शेडर्स। और हमारी ख़त्म हो चुकी हैं फेंस, फिर से बना कर लाते हैं। आई थिंक मेरे 27 और चाहिए होंगे। जल्दी से जाके अब बनाते हैं। अभी तो 21 बने हैं, एक दफ़ा लगा के आ जाते हैं। अगर कम पड़े तो फिर और लगा लेंगे। यहाँ पर लगाते हैं। और यार ये गलत लग गया, मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा था इसलिए गलत लग गया। चलो इसको बाद में सेट कर लेंगे। नहीं यार कम पड़ गए। ये 1 2 3 4 5 6 7 7 फेंसेस हमें और चाहिए, बल्कि 6 क्योंकि एक ये भी तो है ना। सिक्स फेंस हमें और चाहिए, 6 और बनाते हैं ना, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं। शिट यार इसके लिए सबसे पहले स्टिक्स ही बनानी पड़ेंगी। इतनी स्टिक्स काफ़ी हैं, अब फेंस में वैसे ही बना लेता हूँ। सारी को इधर रखो। हाफ इधर, हाफ इधर, ये क्या ये तो गलत बन गया। अच्छा इसको बाहर रखना था, मैंने अंदर रख दिया था सारा। चलो अभी 15 फेंस बना ली है, अभी जल्दी से ऊपर जाके इसको कवर कर देते हैं जितना भी हमारा रह गया। इधर चलो इधर ही ठीक है। एंड चलो भी ये सारा हमारा काम हो चुका है। तो शेडो भी देखो हमारा आ रहा है, ये वाला शेडो, और घास भी अभी हिलने शुरू हो गई है, तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। जल्दी से जाके अब जो बचा कुछ सामान है इसको अंदर डाल देते हैं। तो अभी हमारा एक काम तो हो चुका है, बाहर जाके मैं एक दफ़ा बाहर से देख लेता हूँ। एंड अच्छा लग रहा है इससे भी। तो अभी हम सबसे पहले क्या जो हमने अभी काम करना था सबसे पहले वो करते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे। इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। तो इसके लिए जो जो सामान चाहिए होगा वो मैंने इतने दिनों में जितने दिन वीडियो नहीं आई उतने दिन सारा मैंने कलेक्ट करके रखा। तो वो सारा सामान मैं आपको जाके भी दिखाता हूँ, नीचे पड़ा हुआ है, इधर नीचे मैंने रखा हुआ था वो सारा। तो जल्दी से नीचे चलते हैं
यहाँ से सारा सामान उठा लेते हैं। ये सारा सामान था, ये कोल जितना भी है मैं सारा माइनिंग करके लाया हूँ, इतने दिनों से ये सारा ही ढूंढ रहा था। और जल्दी से ये सारे उठाते हैं, फुल हो गया, ऊपर चलते हैं जल्दी से। ये ट्रैप डोर वाला आइडिया मैंने कमेंट में पढ़ा था, किसी ने लिखा था कि ट्रैप डोर लगा लो यहाँ पर। फटाफट इसको बंद करते हैं क्योंकि नाइट हो गई है, और जाके अब सो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे आ चुका हूँ, जल्दी से इधर आके सो जाते हैं। और अभी सुबह हो चुकी है, हम सो के भी उठ चुके हैं, जल्दी से अब ऊपर चलते हैं। और ये वाला सामान मैं इस चेस्ट के अंदर डाल देता हूँ ताकि मैं और सामान लेके आऊँ। सारा एक ही दफ़ा ले आएंगे, फिर उसके बाद फिर हमें बार बार जाना नहीं पड़ेगा। चलो अभी सर जितना सामान रह गया वो सारा लेके आते हैं। थोड़ा सा ही रह गया था, ये सारा उठाते हैं। जल्दी से ऊपर चलते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। एंड अब जो खाने वाला सामान था उसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, और ये बाकी जो सामान है उसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अच्छा अब हमें ना सबसे पहले यहाँ पर दो चेस्ट लगानी है, तो इसके लिए मैं चेस्ट उठाता हूँ। यहाँ पर ना मुझे दो चेस्ट लगानी है, कैसे ऐसे, ठीक है। और अभी मुझे होपर्स चाहिए दो, होपर्स लेके ना तो इसके साथ लगा देने हैं। अब जब तक इस चेस्ट के अंदर कोल रहेगा ना तब तक होपर खाली नहीं होगा, मुझे बार बार आके डालना नहीं पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक जब भी इसके अंदर से कोल ख़त्म होगा तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर डाल देगा। तो कोल वाला काम हो गया, अब हमें सारा कोल शिफ्ट करना है वहाँ पर। सारा कोल जल्दी से मैं उधर शिफ्ट करके ना फिर आपको मिलता हूँ। ओके देख सकते हैं अभी मैं इस चेस्ट के अंदर सारा कोल डालने लगा हूँ। ये देखें यहाँ से कोल कम भी हो ही जा रहा है क्योंकि वो इसके अंदर जा ही जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और ये मैंने सारा कोल डाल दिया, अब ये कोल सीधा इससे यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर ये इसके अंदर जाएगा, यहाँ से फिर सीधा इसके अंदर आ जाएगा। अभी ये फुल हो चुका है इस वजह से इसके अंदर और कोल नहीं जाएगा। अब जो इससे अगला काम हमने करना है वो फिर चेस्ट लेनी है, और यहाँ से हमने लेना है अपनी पिकैक्स। फोर चेस्ट है ना हमारे पास और थ्री ऊपर से, ठीक है। तो हमें ये तोड़ना पड़ेगा क्राफ्टिंग टेबल, इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, ये बाद में सारा रिपेयर कर दूँगा क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा काम है, इस वजह से हम इसको तोड़ रहे हैं। इसको तोड़ो एंड इसको तोड़ो, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर एक चेस्ट रखनी है, बल्कि दो चेस्ट रखनी है यहाँ पर। यार रहता रहता क्यों बन गई है। चलो तो भी हमें यहाँ पर होपर लगाना है, लेकिन इसके लिए मुझे ये तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं नीचे नहीं जा पा रहा, इसको मैं बाद में रिपेयर कर दूँगा। हाँ तो शिट यार इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो चलो अभी मैं सुकून से इधर काम कर सकता हूँ, यहाँ पर अभी ये लगाओ। चलो हाँ जो इधर से खाना पक जाएगा वो सीधा इसके अंदर आ जाएगा। एंड चलो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, एंड चलो
अभी जो यहाँ से खाना पकेगा वो सीधा इसके अंदर आ जाएगा। अभी हमें एक और काम करना है, यहाँ पर खाना जो डालेगा ना वो भी डाल लगाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ से अपनी छत तोड़नी पड़ेगी। ये बस इतनी सी तोड़नी है दो ब्लॉक्स की, क्योंकि यहाँ पर हमारी दो चेस्ट आएंगी ऐसे ऐसे। अगर मैं यार ये मैं क्यों इस तरह खुला छोड़ देता हूँ, अगर मैं ऊपर से ना खोलूँ ना तो ये चेस्ट ना खुले क्योंकि ऊपर की तरफ खुलती है। तो और यहाँ पर हमने होपर लगाने हैं, होपर्स को इसके साथ अटैच करना है ऐसे, और एक फिर ऐसे। तो चलो अभी इतना काम हो चुका है, सारा सेटअप हमारा रेडी है, अभी जाके इसके अंदर जल्दी से खाना डालते हैं, देखते हैं हमारी मशीन काम कर रही है कि नहीं। खाना मैं जल्दी से इसके अंदर डाल देता हूँ यहाँ ऊपर, एंड देखो यहाँ पर खाना पकना शुरू हो चुका है, यहाँ से खाना कम हो ही जा रहा है, यहाँ पर पकना शुरू हो गया है, ये पक जा रहा है। अभी यहाँ पर नहीं आया क्योंकि ये सीधा यहाँ पर आएगा, अब जब भी मुझे खाना पकाना होगा मैं सीधा आके यहाँ से उठा लूँगा। और दूसरा फर्नेस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये तो सिर्फ खाना पकाने वाली मशीन है ना, बाकी जो हमें चीज़ें स्मेल्ट करनी होती हैं बाकी सारा वो सारा इसके अंदर होगा। तो अब जल्दी से इसको मैं कवर कर देता हूँ, कवर करने के लिए यहाँ से इस तरह, बल्कि इसको तोड़ो कलेक्ट हो जा। हाँ अब यहाँ पर मुझे लगानी पड़ेगी एक, जल्दी से और लेके आते हैं। शिट यार प्लैंक्स भी हमारे पास कम हो गए हैं, अभी ये भी लेके आने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर इस तरह, और बाकी के एरिया के अंदर मैं फेंसिंग करूँगा। फेंस हमारे पास 9 पड़ी हुई है, प्लैंक्स मैं बाद में जाके ले आऊँगा जब बाकी बच गएंगे ना। हाँ चलो अभी ये हो गया, यहाँ पर मैं ये लगवा देता हूँ, ठीक है यहाँ पर भी मैं लगवा देता हूँ फेंस। एंड अभी तकरीबन हमारा काम हो चुका है, एंड टर्न ऑन, ये हमारी पूरी मशीन तैयार हो चुकी है। यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली खाना ही जा रहा है, और इसके अंदर भी 64 का 64 कॉल ही है। तो अभी हम क्राफ्टिंग टेबल को भी किधर रखें, इसको हम लोग इसी के साथ ही रख देते हैं। चलो अब जल्दी से जाके हम लोग अपने गाय भैंसों को खाना खिला देते हैं। पहले जो इधर बन चुका है ना, बल्कि अभी सही नहीं बना, इसको छोड़ो, अभी जो है उसी से इनको जाके खिला देते हैं। ये मुझे जल्दी से बंद करना पड़ता है कि नहीं तो कोई ना कोई बाहर ही निकल जाता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तू भी खा तू भी खा तू भी खा। कौन रह गया, रह गया तू रहता है इधर, खा ले बस मैं नहीं दे रहा, और इनको देना भी नज़ा भी है सारे ऐसे ऊपर। ये देखा अभी ये बाहर आने लगी थी। हाँ चलो अभी यहाँ पर से आके मुझे, मैंने इधर गेट लगाया था शायद से, शिट यार मैंने इधर गेट नहीं लगाया, अभी यहाँ से मुझे वहीं से अंदर जाना पड़ेगा। मुझे लगा मैंने यहाँ पर एक गेट लगा दिया, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन खेल रहा था ना मैं सोच रहा था यहाँ पर एक गेट लगाऊंगा, मैं नहीं 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 अंदर। हाँ चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तू भी खा। मैं वैसे ही इधर चला देता हूँ, जिसने खाना हुआ खा लेगा। ये ले तू भी खा। जो ब्लैक वाले शीप्स थी ना वो सारी मैंने मार दी, क्योंकि मुझे उसके लिए वूल चाहिए था अपने नीचे घर बनाने के लिए, बेडरूम जो है हमारा। चलो भाई सारी ख़त्म हो गई, चलो चले जाओ सारी मेरे से दूर हो जाए, यहाँ पर कोई ना आया। अब तू भी भाग तू भी भाग, अंदर रहो अंदर रहो,
हाँ चलो अभी तुम दोनों भी इधर से भागो, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना। चलो ठीक है, तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।